पे कुछ भाई लोग मिले तो भाई कहाँ से आप लोग? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका एक और इस नए वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं फोटो शूट में अलग अलग लोकेशंस में। तो सबसे पहले हमने निकाले निंजा और एक बहुत अच्छी लोकेशन में जा रहे हैं जहाँ पे मुझे कराना है फोटो शूट। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है इस वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो आपको रेड वाली बटन आपको दिख रही है सब्सक्राइब वाली उसको तोड़ दो, फोड़ दो, सब कुछ कर दो। तो काफी अच्छी अच्छी फोटोज और सिनेमेटिक शॉट्स आपको मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। पहली लोकेशन होने वाली वो है हमारे घर से काफी ज्यादा पास, जो कि है 0 डिग्री। तीन बाइक हम ले जाने वाले, एक है हमारी निंजा 1000, एक है R15 V4 जो कि हमारी फुल्ली मॉडिफाइड है, हमारी फैल्कन, और तीसरी होने वाली है GT। तो तीनों बाइक में काफी अच्छी शॉट्स हम लेने वाले हैं। हम आ चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन में, जो कि है 0 डिग्री। साइड में आप देख सकते हैं प्रिंस विराज होटल है। तो ये वाली जो लोकेशन है वो काफी अच्छी आती फोटो में, तो पहला शूट हम यहाँ पे करेंगे। A few moments later. हम निकल चुके हैं हमारी फर्स्ट लोकेशन से कुछ फोटोज लेके। थोड़ी बहुत ही फोटोज लेने थे, वहाँ पे क्राउड काफी ज्यादा होता है और काफी लोग आ जाते हैं शूट करते करते, तो यहाँ पे मजा नहीं आता। अभी हम लोग जा रहे हैं बाईपास के पास एक बहुत अच्छी लोकेशन में, वहाँ पे निकालेंगे काफी अच्छे अच्छे शॉट। घर से निकाल लेते R15, तो R15 चला लेगा हिमांशु, और दोनों बाइक हमारी जो है वो होने वाली, क्योंकि शॉट्स काफी अच्छे अच्छे लेना है। मैं 20-25 दिन हो गए मैं शूट भी नहीं करवाया हूँ, काफी टाइम से इंस्टाग्राम में वीडियो भी नहीं डाल पाया हूँ, तो इसलिए आज संडे है तो आज पूरा प्लान है कि आज पूरा शूट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर हिमांशु का वेट, वो आ रहा है हमारी फैल्कन को लेके। बाप रे, ये कहाँ से निकल के गई गाड़ी? GT का साउंड भी अलग ही है। ये आ गई है हमारे पीछे से फैल्कन, क्या बात है, इसकी बात ही अलग है यार, कुछ भी कहो। बताओ, तुम R15 चलाते हो पर तुमसे वो मेरे हाथ से ही चलती है बाइक, बताए। मैं पेट्रोल नहीं था तो उसमें डलवा लिए, इसमें तो है फिर भी काफी। मिनी S1000 आ रहा था। गाड़ी वैसे थोड़ी सी गंदी हो गई है, मेरे को वॉश कराना पड़ेगा उसको। आज हमारा दोनों बाइक को ले जाने का प्लान इसलिए हुआ क्योंकि उसमें भी फोटोज नहीं थी और इसमें भी फोटोज नहीं थी। सोचा थोड़ा हट के शूट कर दे, नॉर्मल शूट तो हमारा चलता ही रहता है। तो मैंने ले आया हूँ ब्लेजर वगैरह, मुझे थोड़ा ब्लेजर में शूट कराना है। हम आ चुके हैं हमारी सेकंड लोकेशन में, जो कि है बाईपास। ये जो है यहाँ पे मेन रोड है NH7, और ये जो रूट है सीधा जाती है नागपुर, यहाँ से हम जाते हैं कटनी साइड। और यहाँ पे जो है हम लोग सर्विस लेन में खड़े हैं, जो यहाँ पे सर्विस लेन है बाजू में जो है वो गढ़ा रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे हम खड़े हैं। एक बार आपको बाइक्स दिखाता हूँ लाइन से। यहाँ पे खड़ी है हमारी R15, यहाँ पे खड़ी है GT, एंड उसके आगे खड़ी है Ninja 1000। सो फटाफट यहाँ से शूट कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे जो फोटोज है वो अच्छी आएंगी क्योंकि अभी मौसम जो है वो भी आज काफी साथ दे रहा है। वैसे तो आप ये देख चेकआउट करो कितना अच्छा मौसम फिलहाल हो रहा है, तो चलो फटाफट शूट कराते हैं। हमारे
सुबह भाई ने यहाँ पे काफी सारे वीडियो और फोटोज बनाए हैं, मतलब फोटोज लिए हैं, तो एक एक आध वीडियो ही दिखा दो कम से कम। ये क्या बात है, शानदार, ऑल थैंक्स टू हिमांशु भाई। सो फाइनली एक घंटे लगातार शूट करने के बाद हमारा शूट हो चुका है खत्म, और अभी चल रहा है दूसरे भाई का शूट। यहाँ पे हमारी बाइक्स पर भी काफी सारे भाई लोग जो फोटोज निकाल रहे हैं और काफी ज्यादा मजा आ रहा है। मौसम जो है वो काफी अच्छा हो रहा है। मैंने लाया था ब्लेजर, मुझे निकला था कुछ अलग से फोटोज, क्योंकि नॉर्मल फोटो शूट तो हम करते जा रहे थे, बट अब सोचा मैं थोड़ा कुछ हट के फोटोज वगैरह डाले। पे कुछ भाई लोग मिले, तो भाई कहाँ से आप लोग? जबलपुर में। किस एरिया से? गोवालपुर से। तो यहाँ क्या मतलब घूमने आए थे क्या? तो भाई लोग कैसी लगी आप लोगों को बाइक्स? तीनों ही पसंद है? अच्छा, प्योर बाइक लवर, क्या बात है भाई। तो भाई लोग से हम लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करवा, सब लोगों को बोल दो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस फाइनली हमारा शूट कंप्लीट हो चुका है, घुमाते हैं गाड़ी। बस नाइट होने में प्रॉब्लम एक ही चीज़ की है कि हमारा जो हेलमेट है ना उसमें लगा है ब्लैक स्मोक वाइजर, तो स्मोक वाइजर से रात में देखने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। कहाँ लेना है तेरे को शॉट्स? तो इसमें माउंट कर दूँ कैमरा? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है, 360 माउंट कर दिया जाए R15 में। हिमांशु भाई को 360 के शॉट चाहिए। आने वाला है काफी जम के तूफान, मौसम देखो अब कितना खराब हो चुका है। तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।